भोले बाबा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा हवन बड़े रीत रिवाज के साथ में यज्ञ कराया। रावण यज्ञ करा के चलने लगा। भोले बाबा ने कहा रावण रुक जा, कहे गुरु तूने हवन तो करा दिया लेकिन तूने दक्षिणा नहीं मांगी और बिना दक्षिणा दिए हवन पूर्ण नहीं होता है, तो तू ऐसा कर कोई दक्षिणा मांग। रावण कहने लगा गुरु जवाब दिया तू कुछ मांग ले। रावण कहने लगा दे सकते हो? भोले बाबा कहने लगे क्यों नहीं, दक्षिणा में जो मांगेगा वही देंगे। तो ये रावण क्या मांग रहा है? बाबा आर सुनो गुरु दर ध्यान, बाबा आर सुनो गुरु दर ध्यान, ओ बजो मेरो जा दुनिया रावण कह रहा है गुरु तुम्हारा चेला किसी से कम नहीं है। हे सुनो गुरुवर धर ध्यान बजो है हे क्या दुनिया में डंका मेरे हाथ का छेड़ा दक्षिणा में सोने की लंका दे दो। भोले तो भोले क्या किया? अरे तेरा नहीं भोले नाथ कीनी, अरे तेरा नहीं शंभु नाथ कीनी, इन नीलो का छेड़ा जैसे ही रावण को दक्षिणा में लंका दई मैया कान लग में आगे बड़े दिन में तो रेवे के ने जगह बनवाए वे उतने छिड़ाई ले तो मनी मनी कुकड़ किया था मैया ने छीन दी बाद न रहे पाऊं आरे छीन दी जब मीन रहे पाऊं छाती में परे जब छीनुआ गिलम का में दे जा छाती दबाव दिया रावण छाती ठंडी वाई ना होगी ज्यादा रन का जला करके रात कर दूंगी तो गौर करना भक्तों शिव के अंश अवतार भए तब हनुमान शिव बन के आए शिव के अंश अवतार भए तब हनुमान शिव बन के आए पार्वती वही पूछ बनी तब सोने के आए भवन Thank you.
सोने की लंका थी रावण के पास, वो भोले बाबा की थी। रावण सीता को ना लाता तो रावण की लंका जलाई नहीं जाती।